हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के बैक पार्ट में डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको सिंपली अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है, तो हमने यहाँ पर की हुई है। ये हमारी कुर्ती का देखिए फ्रंट पार्ट है ये, और नीचे की तरफ हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी दोस्तों एक बुकरम की, जिस पर हम अपना नेक कट करेंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत होगी एक मैचिंग कपड़े की। तो ये जो मैचिंग कपड़ा है हमारी सूट के साथ का है, ये देखिए, ये हमारे नीचे बॉर्डर है और बॉर्डर के ही सेम हमारी सलवार का कपड़ा है, इसमें हम डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो आप नेक देख रहे हैं बना हुआ, ये ऑलरेडी सूट में बनाया हुआ आया हुआ है, इसमें हम अपना एक राउंड नेक बनाकर नॉर्मली तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम अपना बुकरम पर नेक काटेंगे। तो हम अपनी बुकरम का आपको साइज़ बता देते हैं। हमने अपनी बुकरम की जो लंबाई ली है वो ली है 11 इंच यानी कि 11 इंच, और चौड़ाई जो ली है वो ली है 12 इंच यानी कि 12 इंच। इसके बाद इसे बीच में से आधा आधा फोल्ड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए। और फोल्ड करने के बाद में हम सबसे पहले ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच, तो 6 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 3 इंच। अगर आपके नेक की ब्रॉडनेस कितनी भी होती है तो आप पहले उसे आधा करें, और आधा करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर मार्क लगा लें। तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगा देना है। इसके बाद दोस्तों, हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 8 इंच यानी कि 8 इंच, तो ये हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। इसके बाद हम अपना निशान को सीधा कर देंगे इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाया वैसे ही एक 3 इंच पर मार्क और लगा लेते हैं। ये हमने मार्क अपने सीधे कर लिए हैं, और करने के बाद में हम यहाँ पर एक राउंड शेप का निशान देंगे इस तरीके से। ये हमने अपनी राउंड शेप का निशान लगा दिया है। इसके बाद इसकी बाहर की तरफ की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच मतलब कि 1+2। तो ये हमने मार्क अपना सीधा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, एक मार्क और लगाएंगे हम इसकी बाहर की तरफ, लगभग अपने हिसाब से 1.25 इंच बुकरम लेते हुए। तो ये हमने मार्क लगा लिए हैं। इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो 1.5 इंच चौड़ा वाला नेक है वो इस तरीके से आ गया है। इसके बाद दोस्तों, हमने जो यहाँ पर ये मार्क लगाया है सेम इस पर भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने ये वाले नेक की भी कटिंग कर ली है, और इसका लुक जो है वो कुछ इस प्रकार से आया है। और इसके बाद इस वाले नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और अब हम अपने दोनों ही नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद में इस नेक की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सलवार के कलर के कपड़े में ट्रायंगल बनाकर यूज़ करेंगे, और साथ ही कुछ मोती भी यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे डिज़ाइन का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने दोनों ही नेक कुर्ती के कपड़े पर चिपका लिए हैं। एक नेक में हमने ऊपर की तरफ कपड़ा फोल्ड कर दिया है, जो हमारा बड़ा वाला नेक है, और इसके बाद जो छोटा वाला नेक है इसमें हमने कपड़े को फोल्ड नहीं किया है, और आपको भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना बड़ा वाला नेक कुर्ती में बनाना है। तो ये बनाने के लिए हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस आपको करना होगा। इस तरीके से आपको अपनी कुर्ती का सीधा भाग रखना होगा यहाँ पर, और सीधे भाग के ऊपर अपने नेक को इस तरीके से 20 सेंटर में बिल्कुल मिलाकर रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और कच्ची सिलाई लगाएंगे। और कच्ची सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर बुकरम के बराबर बराबर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे, और थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे, और सीधी तरफ अपने नेक को फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक को नॉर्मली तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने छोटे वाले नेक को तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक मार्क लगाना होगा, जो कि बुकरम की आपकी सेफ है इस तरीके से। तो कैसे लगाएंगे आप, ये जो कपड़ा है आपका जो एक्स्ट्रा आपने छोड़ा हुआ है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए चाक लेकर आप चाक से इस तरीके से मार्क लगा लेंगे पूरी गोलाई पर। तो ये हमने अपना मार्क लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको एक कपड़ा और लेना होगा इस तरीके का। इसको हम इस तरीके से पहले नीचे रखेंगे, और इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से उल्टा ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, और रखने के बाद में अपनी बुकरम के बराबर बराबर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है। इसके बाद अंदर की तरफ का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अंदर का कपड़ा काटने के साथ साथ हमने यहाँ पर छोटे छोटे नोचिस भी लगा दिए हैं, जिससे हमारा नेक जो है अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब हम अपने नेक को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए, जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। और ये देखिए, बाहर की तरफ से हमारा जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब हम इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों, हम नीचे वाले कपड़े को ऊपर वाले कपड़े के बराबर बिल्कुल गोलाई में काट लेंगे। और उसके बाद हम अपने अंदर की तरफ गोलाई में एक पाइपिंग लगाएंगे। और पाइपिंग लगाना बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, ये आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने छोटे वाले नेक पर फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये आपने गोलाई में निशान लगाया है, इस निशान से अंदर की तरफ एक 1.25 इंच पर निशान लगाना है, मतलब कि 1/2 प्लस 1/4 इंच पर। तो यहाँ पर हम 1/2 प्लस 1/4 इंच पर पूरी गोलाई में निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम आपको ट्रायंगल भी बनाना बताएंगे, कैसे ट्रायंगल बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पूरी गोलाई पर निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम अपने नेक में ट्रायंगल भी यूज़ करेंगे। तो हम आपको ट्रायंगल बनाने का तरीका बताते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 बाई 2.5 इंच का एक कपड़ा लिया है, मतलब कि 2.5 इंच का हर तरफ से कपड़ा है। इसको हम पहले इस तरीके से इस कॉर्नर पर फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में इस तरीके से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद में ये देखिए, हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए, प्रेस लगाने के बाद में हमारे ट्रायंगल का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। इस तरीके से दोस्तों, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रायंगल बना लिए हैं। अब हम आपको ट्रायंगल को नेक में अटैच करना बताते हैं। तो दोस्तों, ट्रायंगल अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, 20 सेंटर से अपना पहला ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से रखना होगा, मतलब कि नोक जो रहेगी ट्रायंगल की वो 20 सेंटर में आएगी। 1/2 इंच का जो हमने मार्क लगाया, उसी मार्क तक आपको अपने ट्रायंगल को लेकर जाना है और सिलाई से अटैच करना है। पहला ट्रायंगल आपको 20 सेंटर से ही शुरू करना होगा। और जो हम सिलाई लगा रहे हैं दोस्तों, अपने मार्क से थोड़ा बाहर की तरफ लगा रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी लगानी होगी। अब हम अपने ट्रायंगल जो है सारे अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि 1/2 इंच की दूरी बराबर रहे, आगे पीछे ना हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे ट्रायंगल जो है वो इस तरीके से अटैच हो रहे हैं। हम ऐसे ही ट्रायंगल अपनी पूरी गोलाई पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने छोटे वाले नेक को बखूबी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपने बड़े वाले नेक को इसके ऊपर इस तरीके से रख कर सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमने जो ये अपनी सिलाई लगाई है, इस सिलाई को छुपाते हुए थोड़ा और अंदर की तरफ मार्जिन लेते हुए इसको ऐसे करके अटैच करेंगे। ये वाला मार्क भी अंदर वाला जो दिख रहा है आपको, ये भी अंदर छुपेगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और रखने के बाद में किनारी की सिलाई लगाते हुए हम पूरे नेक को अटैच करेंगे। तो दोस्तों, नेक को अटैच करने के बाद में हमने यहाँ पर अपने सारे ट्रायंगल्स पर मोती भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फ़ोटो डालते रहते हैं। वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।